हेलो एवरीवन, ये वीडियो जॉन रस्किन के लाइफ वर्क और इम्पॉर्टेंट नोट से रिलेटेड है। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो रस्किन एंड हिज वर्क्स बेटर। जॉन रस्किन वाज अ फेमस इंग्लिश राइटर, आर्ट क्रिटिक, थियोरिस्ट, लेक्चरर एंड पैम्फलेटर, और उनका जन्म लंदन में हुआ। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन प्राइवेटली, और उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राइवेटली हुआ। And during boyhood, he traveled a lot in England as well as abroad due to his father's business activities. John Ruskin का जो boyhood था वो उनके father के साथ बीता, और वो काफ़ी travel किए England के बहुत part में, साथ ही साथ वो abroad भी काफ़ी travel किए अपने father के साथ, और इन कारण उनका जो education है उस पर impact पड़ा, और वो जो उनका education है वो privately हुआ। लेटर ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के लिए जॉन रस्किन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए, और जब उनका एजुकेशन पूरा हो जाता है देन ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर। एंड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई द लैंडस्केप पेंटर टर्नर, विलियम टर्नर, और वो जॉन रस्किन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए उस समय के जो लैंडस्केप पेंटर थे जो काफ़ी फेमस थे, उनका नाम था विलियम टर्नर, तो उनसे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए। And he was also an advocate of socialism. John Ruskin promote करते थे socialism को. John Ruskin freely explained his opinions in lectures and pamphlets as well as in books. John Ruskin जो उनका विचार था वो अपने lectures में, अपने pamphlets में, और साथ ही साथ अपने books के medium से वो explain किया करते थे. He spent his rest of life in the Lake District where he lived till death in 1900. और बाकी का जीवन वो Lake District में बिताए, जहाँ उनका death 1900 में हो जाता है। The age of John Ruskin. John Ruskin belongs to the Victorian period. John Ruskin जो writer है, जो literary art critic है, वो विक्टोरियन एरा से बिलोंग्स करते हैं, और विक्टोरियन एरा का जो पीरियड है वो 1832 से 1900 के पीरियड को विक्टोरियन पीरियड कहते हैं, और ये पीरियड जनरली कंसिडर्ड किया जाता है एन एरा ऑफ पीस, मटेरियल डेवलपमेंट, मॉरेलिटी, न्यू एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों के कारण विक्टोरियन पीरियड जाना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द रिमार्केबल राइटर्स ऑफ द एज, और जॉन रस्किन विक्टोरियन पीरियड के एक रिमार्केबल राइटर्स में आते हैं। Ruskin's major contemporaries were Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, George Eliot, Thomas Carlyle and Thomas Macaulay. ये सारे writers John Ruskin के contemporary writers थे। अभी हम लोग discuss करेंगे John Ruskin के major works के बारे में। So John Ruskin as a Victorian writer wrote many works and some of his major works are following in chronological order. आप यहाँ देख सकते हैं John Ruskin के major works को chronological order में, जिसमें जो मेजर वर्क है वो मॉडर्न पेंटर्स है जो 1843 में आया, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर 1849 में आया, द स्टोन ऑफ वेनिस 1851 से 53 तक आया, उनका जो फोर्थ मेजर वर्क है द टू पाथ्स वो 1859 में पब्लिश हुआ, और अनटू दिस लास्ट ये 1860 में पब्लिश हुआ। तो ये था जॉन रस्किन का मेजर वर्क्स। अभी इस स्लाइड में हम लोग उनके जो भी मेजर वर्क्स है उन का ब्रीफली स्टडी करेंगे, और उनको उसके थ्रू उस बुक के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। सो जॉन रस्किन का ये जो बुक है मॉडर्न पेंटर्स जो 1843 में पब्लिश हुआ, इट इज़ ए फाइव वॉल्यूम वर्क, और ये फाइव वॉल्यूम वर्क है। एट द एज ऑफ 24, जब जॉन रस्किन 24 के थे तभी ही बिगेन द बुक, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मटेरियल कलेक्टेड इन द स्विट्जरलैंड इन 1842, और ये 1842 का जो उनका स्विट्जरलैंड में मटेरियल जो भी वो कलेक्ट किए थे उसी पे ये बेस्ट है ये बुक मॉडर्न पेंटर्स। इन दिस बुक जॉन रस्किन आर्ग्यूज दैट रिसेंट पेंटर्स आर सुपीरियर इन द आर्ट ऑफ लैंडस्केप टू द ओल्ड मास्टर। इस बुक में जॉन रस्किन इस बात के लिए आर्ग्यू करते हैं कि जो रिसेंट पेंटर्स है यानी उस समय के जॉन रस्किन के टाइम में जो पेंटर्स थे वो सुपीरियर है इन द आर्ट ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप का आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, तो इस टाइप के इमेज में वो ओल्ड मास्टर से सुपीरियर है, बढ़िया है। हियर ओल्ड मास्टर रेफर्स टू दोज पेंटर्स हु वर्क्स इन यूरोप बिफोर 1800 और ए पेंटर्स
बाई सच आर्टिस्ट। ओल्ड मास्टर्स वैसे पेंटर्स या वैसे पेंटिंग को कहा जाता है जो कि यूरोप में थे 1800 से पहले। सो 1800 से पहले जो भी पेंटर्स थे वो सारे ओल्ड मास्टर कहलाएंगे। द बुक वॉज मेनली रिटन एज अ डिफेंस ऑफ द वर्क्स ऑफ विलियम टर्नर। विलियम टर्नर जो कि एक लैंडस्केप पेंटर थे, तो ये जो बुक है मॉडर्न पेंटर्स, ये बुक विलियम टर्नर को डिफेंड में लिखा गया था। ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पेंटर, प्रिंट मेकर एंड वाटर कलरिस्ट। और विलियम टर्नर जो थे एक रोमांटिक पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे और वाटर कलरिस्ट थे। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज इमेजिनेटिव एंड इम्प्रेसिव लैंडस्केप पेंटिंग। और विलियम टर्नर को उनके इमेजिनेटिव और इम्प्रेसिव लैंडस्केप पेंटिंग्स के लिए याद किया जाता है। उनका जो नेक्स्ट मेजर वर्क है वो है द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। रस्किन्स का ये जो बुक है द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये एक एसे है और इट वॉज पब्लिश्ड इन 1849। ये 1849 में पब्लिश हुआ। इट इज़ शॉर्ट एंड मोर पॉपुलर वर्क। ये एक छोटा और पॉपुलर वर्क है। द वर्ड लैम्प्स इन द टाइटल ऑफ द एसे डिनोट्स रस्किन्स प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर। इस बुक के टाइटल में यानी द सेवन लैम्प्स ऑफ द आर्किटेक्ट में जो वर्ड आया है लैम्प, वो रस्किन के प्रिंसिपल को डिनोट करता है, यानी लैम्प्स इक्वल टू प्रिंसिपल्स। सो इस बुक में जॉन रस्किन 7 प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किए हैं और वो प्रिंसिपल इस टाइप से है। जो पहला है वो सेक्रीफाइस, सेकेंड ट्रुथ, थर्ड पावर, फोर्थ ब्यूटी, फिफ्थ लाइफ, सिक्स्थ मेमोरी और जो सेवेंथ है वो ओबीडियंस है। इनका जो नेक्स्ट मेजर वर्क है वो द स्टोन्स ऑफ वेनिस है और ये एक 3 वॉल्यूम ट्रीटीज है ऑन वेनिशियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो वेनिस का आर्ट है और आर्किटेक्चर है उस पे बेस्ड है ये बुक। सो दिस बुक एग्जामिन्स वेनिशियन आर्किटेक्चर इन डिटेल। ये बुक वेनिशियन का जो आर्किटेक्चर उसको डिटेल में डिस्कस करता है। जॉन रस्किन डिस्क्राइब्स ओवर 80 चर्चेज एज एग्जाम्पल्स इन दिस बुक। और इस बुक में जॉन रस्किन 80 से ऊपर चर्चों का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ही ऑल्सो डिस्कसेस वेनिस गॉटिक एंड रेनासा पीरियड इन दिस बुक। और इस बुक में जॉन रस्किन वेनिस के गॉथिक और रेनासा पीरियड को भी डिस्कस किए हुए हैं। जॉन रस्किन का जो नेक्स्ट मेजर वर्क है वो है द टू पाथ्स और ये 1859 में आया। इट इज़ ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स, इसमें लेक्चर्स है। इन दिस बुक ही ट्राइज टू कनेक्ट हिज थ्योरीज ऑफ आर्ट। इस बुक में वो अपने आर्ट का जो थ्योरी है था उसको कनेक्ट करते हैं इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल लाइफ से। इन दो चीज़ों से वो कनेक्ट करते हैं अपने आर्ट का जो थ्योरी था जॉन रस्किन का, तो उनको वो इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जॉन रस्किन ऑल्सो गिव्स पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन सब्जेक्ट्स एज जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, मिथ, लिटरेचर, एजुकेशन, बॉटनी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इस बुक में वो जॉन रस्किन इसके अलावा वो जियोलॉजी पे बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर पे, मिथ पे, लिटरेचर पे, एजुकेशन, बॉटनी और पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। अनटू दिस लास्ट, और ये जॉन रस्किन का बहुत बढ़िया रिमार्केबल वर्क है और ये एक सीरीज ऑफ है आर्टिकल्स का जिसमें वो डिस्कस किए हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में। विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कॉर्नेल मैगजीन इन 1860 में ये सबसे पहली बार कॉर्नेल मैगजीन में पब्लिश हुआ और उसके बाद ये बुक फॉर्म में 1860 में ही आया। सो दिस बुक हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन गांधीज फिलॉसफी। ये बुक गांधी जी के जो फिलॉसफी था उस पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला और गांधी जी अनटू दिस लास्ट यानी इस बुक को गुजराती में ट्रांसलेट किए 1908 में। एंड द टाइटल ऑफ द बुक विल वॉज सर्वोदय। और यानी अनटू दिस लास्ट का जो मतलब ट्रांसलेशन किया गया था गांधी जी के द्वारा, उसका जो गुजराती वर्जन आया वो सर्वोदय के नाम से आया, जिसका मतलब होता है वेल बींग ऑफ ऑल। सो गांधी जी फाउंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ फ्रॉम दिस बुक। और गांधी जी को जो सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ हुए वो इसी बुक के कारण हुए अनटू दिस लास्ट। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग जॉन रस्किन्स बायोग्राफी, हिज मेजर वर्क्स एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स। आई होप इट विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स, मेकिंग नोट्स, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।